महाराष्ट्र के नए सीएम का नाम तय करने के लिए दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। थोड़ी देर में गृहमंत्री अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के महायुति के तीनों बड़े नेताओं की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों राजी हैं। अमित शाह के साथ मीटिंग में डिप्टी सीएम के नाम पर भी चर्चा होगी, साथ ही मंत्रालयों के बंटवारे पर भी बात होगी। अजीत पवार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया और कहा कि लोकसभा चुनाव में नतीजे एमवीए के पक्ष में थे, तब ईवीएम ठीक थी। महाराष्ट्र नतीजों के बाद एमवीए में दरार पड़ती भी दिख रही है। उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि पार्टी को भविष्य में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। अंबादास दानवे का कांग्रेस पर हमला, उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करते तो नतीजे अलग होते। अंबादास दानवे ने कहा लोकसभा चुनाव के बाद ओवर कॉन्फिडेंट थी कांग्रेस पार्टी, किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। अंबादास दानवे के बयान पर नाना पटोले ने जवाब दिया, कहा हम सहयोगियों को साथ रखना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो वो उसका फैसला है। महाराष्ट्र की हार को पचा नहीं पा रही है कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले चुनाव आयोग ने पारदर्शिता नहीं रखी। नाना पटोले ने चुनाव आयोग से पूछा 7.5% वोट शाम 5 बजे के बाद कैसे बढ़ गया, चुनाव आयोग इसके प्रमाण दे। नाना पटोले ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव में वोट चुराने का काम किया है, लोकतंत्र को खतरे में डाल रही बीजेपी। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी अब ईवीएम पर सवाल उठाए, कहा हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी ऐसा माहौल नहीं था कि एक तरफा नतीजे आए। संजय राउत ने इशारों इशारों में बीजेपी पर बात किया, कहा जनमत चुराने वालों को देश और जनता माफ नहीं करेगी। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का महाविकास अघाड़ी पर तंज, कहा अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो महाराष्ट्र सेफ रहेगा। बीजेपी नेता नवनीत राणा का उद्धव गुट पर हमला, कहा यह अपने अलायंस से हमेशा परेशान रहते हैं। हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में गवर्नर संतोष गंगवार ने उनको शपथ दिलाई। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में इंडिया अलायंस का मेगा पावर शो भी दिखा। राहुल गांधी, खड़गे, अखिलेश यादव, केजरीवाल, ममता बनर्जी सब पहुंचे। नई सरकार को राज्यपाल ने बधाई दी, कहा विश्वास करते हैं झारखंड देश में अच्छी प्रगति करेगा। जेएमएम की सांसद महुआ मांझी ने कहा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड देश का नंबर वन राज्य बनेगा। संसद में प्रियंका गांधी ने संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली। वायनाड से 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंची हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। शपथ लेने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा संविधान बचाने के लिए हम लड़ते रहेंगे, राष्ट्र से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे। संसद के बाहर प्रियंका की फोटो लेते दिखे राहुल गांधी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रियंका गांधी के सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। सचिन पायलट ने कहा प्रियंका गांधी मजबूत सांसद के साथ साथ देश की महिलाओं और नौजवानों की मजबूत आवाज बनेगी। तमिलनाडु में राष्ट्रपति मुर्मू ने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के फैकल्टी और स्टूडेंट्स ऑफिसर्स को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा साइबर वॉर, आतंकवाद और क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। बजट सत्र तक बढ़ाया गया वक्फ संशोधन विधेयक के लिए गठित जेपीसी का कार्यकाल, संसद में कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव पास हो गया है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कोलकाता में जमाते उलेमा का प्रोटेस्ट, अध्यक्ष सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा बिल का विरोध जारी रहेगा। पटना में विधान परिषद के बाहर आरजेडी के पार्षदों का प्रदर्शन, वक्फ संशोधन कानून को वापस लेने की मांग। विपक्ष के हंगामे पर बरसे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कहा अब लालटेन युग वापस नहीं आने वाला है, अब एलईडी का समय है। भारत ने समंदर में दागी K4 बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघाट से किया लॉन्च, विशाखापट्टनम से के तट पर टेस्ट हुआ। संभल हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन तेज है, 3 और आरोपी फैजान, आमिर, मोहम्मद अली गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने हथियार भी जब्त किए, तीनों ने भीड़ को मस्जिद के पास बुलाया था। संभल हिंसा में मारे गए अयान के भाई ने FIR दर्ज कराई, शिकायत में लिखा मस्जिद के पास भीड़ ने अयान को मार डाला। संभल में कानून व्यवस्था और शांति स्थापित करने में जुटी हुई है पुलिस, हिंसा वाले इलाकों में फ्लैग मार्च हुआ। संभल हिंसा की जांच में पुलिस के हाथ एक और सबूत लगा, गिरफ्तार दंगाई के फोन से मिले ऑडियो में हिंसा भड़काने की बात है, एक वीडियो में ईंटें लेकर मस्जिद जाती दिखी भीड़। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव का बयान, लोकसभा स्पीकर ने संभल हिंसा पर चर्चा कराने का भरोसा दिया है। संभल हिंसा के पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया जमीयत उलमाए हिंद, मृतकों के परिजनों को दिया जाएगा 5-5 लाख रुपए। अजमेर दरगाह विवाद के बाद पुलिस अलर्ट है, दरगाह पर स्थानीय नेताओं का आना जारी है, सुरक्षा बढ़ाई गई। अजमेर दरगाह सर्वे विवाद पर अब पॉलिटिक्स भी तेज हो रही है। AIIMM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले अजमेर दरगाह पे प्रधानमंत्री मोदी भी चादर भेजते हैं। अजमेर दरगाह के सर्वे की मांग पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताई चिंता, सुप्रीम कोर्ट से अपील की निचली अदालतों में ऐसी याचिकाएं स्वीकार करने पर रोक लगाए। अजमेर विवाद पर बोले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बीजेपी RSS की सरकार बनने के बाद कुछ लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले अजमेर को भी संभल बनाने की साजिश की जा रही है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक इस पर शांत रहना चाहिए। अजमेर विवाद में सपा सांसद रामगोपाल यादव भी कूद पड़े, कहा सत्ता में रहने के लिए बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। मणिपुर के सीमांत और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान, NH-37 और NH-2 पर आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की गई।
ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों से मिले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। तेलंगाना काडर के 2023 और 2024 बैच के ट्रेनी आईपीएस अफसरों से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केजरीवाल का आरोप, व्यापारियों को वसूली के लिए फोन आ रहे हैं, चारों तरफ महिलाओं के साथ छेड़खानी, मर्डर और गैंगरेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यूजीसी ने अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अपने कोर्स की अवधि को कम या ज्यादा करने का ऑप्शन मिलेगा। यूपी के कानपुर में बजरंग दल की तरफ से हिंदू युवकों को त्रिशूल दीक्षा दी गई। देश के 10,000 प्रखंडों में कार्यक्रम चलेगा। त्रिशूल दीक्षा के तहत बजरंग दल हिंदू नौजवानों को देश और हिंदू धर्म की रक्षा के संकल्प दिलवा रहा है। 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में राइजिंग राजस्थान प्रोग्राम, मुख्यमंत्री भजन लाल ने तैयारियों का जायजा लिया। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा, राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, हम लोग निवेश लाने में जुटे हुए हैं। दिल्ली में ईडी की टीम पर हमले का मामला, पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। साइबर ऐप फ्रॉड केस में रेड करने पहुंची थी ईडी की टीम, ईडी ने लोकल थाने में मामला दर्ज कराया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी नेटवर्क पर सीआरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादियों के 10 मददगार गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के मेंढर में पुलिस और सेना का एक्शन, एक आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया गया, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में एनआईए का एक्शन, 6 राज्यों में 22 जगहों पर तलाशी ली। हरियाणा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बने अरुण गुप्ता, साकेत कुमार को अतिरिक्त प्रधान सचिव की जिम्मेदारी मिली। मोदी नगर के पास वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव, E1 और C4 कोच के शीशे टूटे, आरपीएफ ने मुकदमा दर्ज किया। तमिलनाडु के कांचीपुरम पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, श्रीकांची कामाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा की। कर्नाटक के कोप्पल में स्कूल बस फिसली, कुछ बच्चों को मामूली चोटें आईं। दिल्ली में जापानी इंसेफेलाइटिस का केस मिला, एमसीडी ने अधिकारियों से बीमारी की रोकथाम और जागरूकता अभियान चलाने को कहा। दिल्ली के प्रशांत विहार में लो इंटेंसिटी ब्लास्ट, एक व्यक्ति मामूली रूप से जख्मी हुआ, इसे इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। धमाके वाली जगह से एनएसजी की फोरेंसिक टीम ने सैंपल इकट्ठा किए। 20 अक्टूबर को भी प्रशांत विहार में धमाका हुआ था, वो केस भी अभी पुलिस नहीं सुलझा पाई है। एयर इंडिया की 25 साल की पायलट ने खुदकुशी की, अंधेरी स्थित फ्लैट में सृष्टि तुली का शव मिला। बॉयफ्रेंड आदित्य पंडित 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। सृष्टि तुली के परिवार ने आदित्य पर प्लानिंग के तहत हत्या का आरोप लगाया, कहा आदित्य पैसों की डिमांड करता था। जम्मू के एडीजीपी आनंद जैन का बयान, आतंकियों के मददगारों के खिलाफ एक्शन जारी है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के नोएडा में बिहार की एक लड़की की हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। लड़की की शादी दूसरे लड़के से फिक्स होने पर आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। वाराणसी के आदमपुर में घर में आग लग गई, 7 लोग झुलस गए, 2 लोगों की हालत गंभीर है। दिल्ली एनसीआर में स्कूलों को छोड़कर सभी जगहों पर सोमवार तक ग्रैप 4 के नियम लागू रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया। बढ़ते प्रदूषण के कारण नोएडा में छाई धुंध की परत, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई जगह पानी का छिड़काव किया गया। जम्मू कश्मीर में 5 की तीव्रता से भूकंप आया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था। बांग्लादेश में चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, भारत सरकार ने जो आपत्ति की है हम उसके साथ हैं। कोलकाता में पुलिस और हिंदू महासभा के सदस्यों के बीच झड़प हुई, बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन के पास प्रोटेस्ट करने जा रहे थे हिंदू महासभा के सदस्य। जम्मू में बांग्लादेश के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर प्रदर्शन करके विरोध जताया। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करने पर बोले धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर जी, बांग्लादेश में सनातनियों की हत्याएं हो रही हैं। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 9 पैसे गिरा, अब 1 डॉलर की कीमत 84.49 रुपए हुई। भारी गिरावट के साथ शेयर बाजार बंद हुआ, सेंसेक्स 1190 और निफ्टी 360 अंक नीचे आया। राज्यसभा में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी, खेलो इंडिया के तहत 323 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 6 दिसंबर को एडिलेड में खेला जाएगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच, मुकाबले से पहले भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय टीम खेलेगी एक वार्म अप मैच, 30 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री टीम से भिड़ंत होगी। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने विराट कोहली के शतक की जमकर तारीफ की, कहा पर्थ में खेली शानदार शतकीय पारी। एडिलेड टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किया टीम का ऐलान, स्कॉट बोलैंड और बीयू वेबस्टर को मिली टीम में जगह। चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल को लेकर पीसीबी ने किया इनकार, कहा हम भारत जा सकते हैं तो वो यहां क्यों नहीं आ सकते। हाइब्रिड मॉडल पर आईसीसी करेगा 29 नवंबर को पीसीबी से बात, अगले साल पाकिस्तान में होनी है चैंपियंस ट्रॉफी।